हेलो गुड मॉर्निंग इंडिया जीके ज्ञान फॉर जीडी रात 8 बजे हिंदी स्पेशल जीडी के लिए रात 8:30 बजे रीजनिंग मंत्र फॉर जीडी रात 9 बजे मैथ्स मंथन फॉर जीडी रात 9:30 बजे मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग मैं हितेश मिश्रा फिर से आपके साथ हूं एसएससी जीडी की क्लास के साथ और शुभ संध्या आप सभी को गुड इवनिंग कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर जैसा कि हमारा दो दिन बाद क्लास हो रहा है तो नए जोश नए रिदम और नए ताकत के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे मजा आने वाला है और बहुत ही ज्यादा आप इंजॉय करने वाले हैं तो तैयार हैं आप सब एक बार बता दीजिए क्योंकि सेशन होगा शानदार जानदार और अद्भुत बहुत ही ज्यादा आपको मजा आने वाला है और बहुत ही ज्यादा आप एंजॉय करने वाले हैं ठीक है तो पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं आज जो है वर्ड बेस्ड एनालॉजी होने वाला है शब्दों पर आधारित एनालॉजी होने वाला है जिसमें आपका नॉर्मल क्वेश्चन होगा आपके जीके भी टेस्टिंग होगी कि कितना आप जानते हैं तो पहला क्वेश्चन हम यहां से शुरू कर रहे हैं और इसका आंसर बताइएगा कि जिस जैसा टाइगर का जो संबंध इंडिया से है ठीक है टाइगर का जो संबंध इंडिया से है मतलब बाघ का जो संबंध भारत से है वही संबंध भालू बियर का किससे कौन से देश से तो आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं आप बताइएगा यहां पर है कनाडा रसिया अमेरिका श्रीलंका तो आप जल्दी से बताएं इसका आंसर जो है वो क्या है चलिए बेहद आसान ये प्रश्न है डियर फ्रेंड्स और इसका आंसर जल्दी से बताएं और इसके बाद जो है स्टार्ट हो जाएगा क्लास जय हिंद गुड इवनिंग हमारे प्रिय स्टूडेंट्स और ये थोड़ा दुख का बात है कि आप लोग जो है ना मतलब बहुत कम आ रहे हैं डियर ज्यादा से ज्यादा और मतलब एंजॉय करो क्लास को है कि नहीं तो इसका जो आंसर है डियर फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा रसिया जिस प्रकार से टाइगर नेशनल एनिमल है इंडिया का उसी प्रकार बियर जो है वो रसिया का नेशनल एनिमल है रसिया का नेशनल एनिमल है बियर बात समझ रहे हो रसिया का जो नेशनल एनिमल है वो क्या है बियर है ठीक है क्लियर है डियर कोई दिक्कत नहीं चीजें समझ में आ रही हैं बताओ इसमें तुम लोग फंस जाते हो तो मैंने तो पहले ही बताया था कि आज ऐसे ही क्वेश्चंस होने वाले हैं चलिए फिर आगे बढ़े फिर पहला क्वेश्चन आज का लगवाते हैं और पहला क्वेश्चन सर आज लगाइए बच्चों के लिए जो पहला क्वेश्चन है वो है वॉर डिस्ट्रैक्शन से है तो जो आगे है फायर कोर्ट वाटर ये वाला क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स आपके सामने जस्ट डू इट चलिए रसिया इज द राइट आंसर क्वेश्चन आपके सामने इसका आंसर जल्दी से बताइए तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा वन जैसा कि वार से क्या होता है विनाश होता है युद्ध जब हम करेंगे विनाश होगा उसी प्रकार जब आग लगेगी तो जलन होगी जलेगा इंसान फायर बर्न तो आपका जो आंसर है एक के साथ चला जाएगा यहां पर आपका जो आंसर है वो एक के साथ जाएगा आपका आंसर वन के साथ जाएगा क्लियर आइडिया कोई दिक्कत इसमें
नहीं, तो वन विल बी राइट आंसर फॉर दिस। और यहां पर बहुत सारे बच्चे सी दे रहे हैं आंसर, सी नहीं होगा डियर फ्रेंड्स। वाटर डूबना, पानी पीने के भी काम आ सकता है, फायर लेकिन बर्न वो जलाने के काम ही आता है, चाहे आप माचिस जब भी जलाएंगे कुछ तो काम ही आएगा उसका, है ना। चलिए अगला प्रश्न है स्टेपलर स्टेशनरी, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स आपके सामने, इसका आंसर आप देखें क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर आपके सामने, जस्ट डू इट। देखो एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटी, सिमिलरिटी मतलब समानता, समानता देखनी है आपको। बहुत बढ़िया, इसका आंसर जो है वो टू के साथ जाएगा, टू विल बी राइट आंसर। यहां पर देखो स्टेपलर कहां रहता है, स्टेशनरी में, स्टेपलर जो है वो स्टेशनरी में रहता है, है ना। तो उसी प्रकार से जो बुलेट होता है वो हम लोग शास्त्रागार में रखते हैं, तो आपका जो आंसर है वो बी के साथ जाएगा, बी विल बी राइट आंसर, क्योंकि वो रखने के स्थान से संबंधित हो रहा है। तो फिक्सर गम नहीं होगा, पेन निडल नहीं होगा, टेप पेपर नहीं होगा, आपका जो आंसर है डियर फ्रेंड्स वो बी के साथ जाएगा, बुलेट और आर्मरी, मतलब बुलेट और शास्त्रागार। सो योर राइट आंसर इज बुलेट एंड शास्त्रागार। क्लियर है डियर फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं, चीजें समझ में आ रही हैं, क्या बात। अगले प्रश्न में चलते हैं और इसका आंसर बताइएगा। गार्बेज अगर संबंधित है स्क्वायलर से, ठीक है, मतलब गंदगी से, तो अच्छा एक मिनट रुकिएगा, ये वाला लगाइए सर, सिस्टर्न और वाटर, टंकी और पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर आपके सामने, जस्ट डू इट। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर आप देखें क्या होगा। इतने कम बच्चे क्यों आ रहे भाई, पांच हजार से तुम लोग 4000, 3000, अब तो 2000 पे आ गए हो, मजा नहीं आ रहा। इना चलवे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए डियर फ्रेंड्स क्या होगा। तो इसका जो आंसर है डियर फ्रेंड्स वो बी के साथ चला जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। रीजन देखो क्या है, टंकी में पानी रखते हैं, टंकी में पानी रखते हैं, उसी प्रकार से कप में चाय, कप में वो गाना सुने हो ना अनु मलिक का, एक गरम चाय की प्याली हो, है ना, तो वही बात है यहां पे। यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जो सिस्टर्न है वहां पर जो टंकी है, तो यहां पर क्या है, यहां पर पानी से संबंधित है, उसी प्रकार कप जो है वो चाय से संबंधित है। सो राइट आंसर विल बी कप एंड टी, ऑप्शन टू विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए, और तुक्का मत मारा करो बाबू, गलत सलत आंसर देना अच्छा बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये वाला, कोल्स, एक मिनट, स्प्रिंग समर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स आपके सामने, जस्ट डू इट। अगले प्रश्न का आंसर दें बाबू क्या होगा, धीरे धीरे आराम से आंसर करें, हड़बड़ाना नहीं है। पच्चीस सौ की तरफ काफिला बढ़ते हुए, अरे दूध रख सकते हैं, कॉफी रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं, कुछ भी रख लो कप में, लेकिन रिलेटेड वर्ड पूछा जा रहा है बाबू, है ना। तुम लोग तिल का ताड़ काहे करते हो बताओ, स्मार्ट क्या लगेंगे, बाल वाल पक गया है, दाढ़ी पक गया, पेट निकल गया, क्या स्मार्टनेस बताओ, एक कमर झुक गया है, काम ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं,
ए विल बी राइट आंसर, बिल्कुल सही। यहाँ एक्चुअली क्या है, स्प्रिंग के बाद समर, उसी प्रकार से अगर हम देखें तो किशोरावस्था के बाद जो है युवा अवस्था आता है। तो आपका जो आंसर है डियर फ्रेंड्स, किशोरावस्था लगभग आप पकड़िए कि जब आप 12 से लेकर 16 के बीच होते हैं या 18 तक पकड़ सकते हैं, उसके बाद आप युवा होते हैं। तो अभी जो है ये किशोरावस्था के बाद युवावस्था, वो मतलब लगातार है। उसी प्रकार वसंत के बाद जो है वो समर है, तो वो लगातार है। दैट इज वाई योर आंसर विल बी ए। क्या बात है, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। आगे बढ़े फिर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, है ना। तो अगला प्रश्न जो है वो है चॉकलेट संबंधित है सुगर से, तो उसी प्रकार किससे कौन संबंधित है, तो इसका आंसर बताइएगा डियर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जस्ट डू इट। मजा आ रहा है ना, एकदम चकाचक, रोज आओगे मजा तो आना ही है। चलिए, तो इसका जो आंसर है डियर फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, आप समझिएगा, इसका आंसर भी ए कह रहे हैं लोग, वो सी से रिलेटेड होगा ये। क्यों, इसका ध्यान दीजिएगा, इसका रीजन क्या है, देखिए चॉकलेट बनाने में सुगर का यूज होता है ना। ऐसा नहीं है कि चॉकलेट में सुगर होता है, अगर ये पकड़ के चलोगे तो एक योक अंडे और जर्दी पकड़ लोगे। यहां पर रोड ट्रैफिक, चलो रोड पे ट्रैफिक भी पकड़ सकते हो, फिर तो आंसर में कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर हम गौर करें, अगर हम ऐसे में पकड़ेंगे तो कंफ्यूजन होगा कि चॉकलेट में चीनी होता है, उसी प्रकार तब तो आप बोलेंगे एक में योक होता है, आप बोलेंगे रोड पे ट्रैफिक होता है, आप बोलेंगे मिल्क में क्रीम होता है, ठीक है भाई। लेकिन ऐसे समझिए, चॉकलेट को बनाने में सुगर का इस्तेमाल किया जाता है, बात समझ रहे हैं आप, चॉकलेट को बनाने में सुगर का इस्तेमाल किया जाता है है। उसी प्रकार से आप देखिए बिल्डिंग को बनाने में सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से देखेंगे तभी आपका आंसर क्लासिफाई हो पाएगा। तो आपका जो आंसर है डियर फ्रेंड्स वो सी के साथ जाएगा, रीजन की एकदम सिमिलरिटी देखना है। अगर आप इसको आंसर नहीं देते हैं तो आपका आंसर 1 2 और 3 में, 1 2 और 4 में कोई भी हो सकता है। दैट इज व्हाई योर आंसर विल बी सी, बिल्डिंग एंड मतलब सीमेंट। सो आपका जो आंसर है डियर फ्रेंड्स वो सी के साथ जाएगा, थर्ड। क्लियर है, यहां पे कोई परेशानी नहीं, चीजें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ें फिर, अगले प्रश्न में ले चलें आपको, जल्दी कहिए और उसके बाद हम अगले प्रश्न में चलेंगे, ठीक है। चलिए सर, ये वाला क्वेश्चन लाइब्रेरी संबंधित है, सॉरी फैक्ट्री संबंधित है सायरन से, तो लाइब्रेरी बुक, हाउस रूम, मोटर कार इंजन, क्लॉक और अलार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स आपके सामने, जस्ट डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर आप देखें क्या होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, अद्भुत प्रदर्शन। और बड़ा अच्छा लाइन आप लोगों के लिए है कि हर मोड़ पर मुस्कान नहीं होता, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, चिरागों की रोशनी से ढूंढा है आपको, आप जैसा स्टूडेंट्स मिलना आसान नहीं होता, ठीक है। तो आप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इतना आसानी से आप मिलते नहीं हैं, और आए हैं तो आपको जाने नहीं देंगे बिना नौकरी लिए हुए, आप हमारे साथ जुड़े रहें। यहां पर अगर आंसर देखें तो किसके साथ चला जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। यहां पर बात समझिएगा, यहां पर क्या है, फैक्ट्री का संबंध सायरन से है, फैक्ट्री में सायरन बजता है जनरली, जब शिफ्ट चेंज होते हैं या उनका टाइमिंग फिक्स होता है तो उस समय जनरली वो अलार्म बजाते, मतलब सॉरी सायरन बजाते हैं, हु ऐसा शूटिंग उनका होता है। उसी प्रकार यहां पर डी जो है डायरेक्टली रिलेटेड है, क्लॉक में अलार्म है ना, घड़ी अलार्म से संबंधित। तो यहां पर जो आपका आंसर डियर फ्रेंड्स वो किसके साथ चला जाएगा, डी के साथ चला जाएगा। कोई दिक्कत, चीजें समझ में आ रही है आपको, कोई परेशानी अगर है तो बताइए, है ना, चीजें समझ में आ गई आपको। अगले में चलें फिर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर, लीकर इंटॉक्सिकेशन, तो अगला उससे रिलेटेड क्या है,
मिला, लीकर, इंटॉक्सिकेशन, इंजन, फ्यूल, मेडिसिन, क्योर, बॉटल, कॉर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स आपके सामने, जस्ट डू इट. बहुत ही बढ़िया. इसका आंसर बताइए डियर फ्रेंड्स, क्या लग रहा है आपको? तो इसका जो आंसर है डियर फ्रेंड्स वो किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ. बी विल बी राइट आंसर हियर. यहां पर लीकर, इंटॉक्सिकेशन, शराब, नशा, वो एक दूसरे से संबंधित है. अगर हम शराब पिएंगे नशा होगी, है ना, और अंग्रेजी बोलने लगेंगे हा हा या, तो इस प्रकार से बोलने लगते हैं ना. ज्यादा दारू पी के आदमी अंग्रेजी बोलने लगता है. तो अगर यहां पर हम देखें तो शराब का संबंध नशे से हो गया, उसी प्रकार हम देखें तो चिकित्सा का संबंध इलाज से है कि अगर हम चिकित्सा करवाते हैं तो इलाज हमारा हो जाएगा. तो दैट इज वाई योर आंसर विल गो विथ बी. बी विल बी राइट आंसर, करेक्ट आंसर. तो यहां पर आपका जो आंसर है डियर फ्रेंड्स वो किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ चला जाएगा. क्लियर है बाबू? कोई दिक्कत नहीं, चाहिए समझ में आ रही है. अगले क्वेश्चन में चलते हैं. एक्चुअली हंसाने के लिए थोड़ा सा क्या करें, कुछ लाइंस मतलब फनी एक्ट करना पड़ता आपके पास, है ना. तो अगले प्रश्न में चलते हैं और इसका आंसर देखते हैं क्या होगा. बी यहां पर करेक्ट है, मेडिसिन क्योर, चिकित्सा और इलाज. नेक्स्ट है बोरो स्टिल, उधार और चुराना. नेक्स्ट क्वेश्चन डियर आपके सामने, जस्ट डू इट. तो इसका आंसर बताइएगा बच्चे क्या होगा. बहुत बढ़िया, 3000 बच्चे किसी तरह खींच खाच के पहुंचे हैं. लेकिन बोला तुम लोग वीडियो को शेयर किया करो, लाइक भी किया करो, ताकि ज्यादा बच्चों तक पहुंचे ये चीज. ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, है ना, क्योंकि आप ही हमारे पूंजी हैं. आप ही के दम पे हम लोग 4 मिलियन पहुंचने वाले हैं और आप ही के तक पहुंचने के बाद हम लोग एक जरिया है जिसके थ्रू आप भी नौकरी लेंगे और हमें भी पहचान मिलेगी. तो ये काम जरूर करें. तो यहां पर जो आपका आपका जो आंसर है डियर वो 1 के साथ जाएगा. 1 विल बी राइट आंसर फॉर यू. रीजन इज व्हाट? बोरो स्टिल, उधार लेना, वो क्या है, रेस्पेक्टफुल चीज है भाई. हम ले रहे हैं उधार, तुमको वापस कर देंगे. लेकिन किसी का कोई चीज चुरा लेना तो ये गलत है. ये चुराना गलत है, मतलब कहीं ना कहीं यहां पर बोरो स्टिल आप देख रहे हो तो उसी का संबंधित एंटर और ट्रेस पास. एंटर का मतलब घुसना, एंटर का मतलब कहीं ना कहीं आपको आदेश मिला या किसी भी तीर से, और ट्रेस पास का मतलब क्या होता है, अधिकार प्रवेश. तो आपका जो आंसर है वो ए के साथ चला जाएगा. ए क्योंकि वहां पर वो सिमिलर मीनिंग दिखला रहा है ऊपर वाले का, उधार मांगना और चुराना. जैसे उधार मांगना तरीके से है, चुराना क्या हुआ, गलत तरीके से है. उसी प्रकार यहां पर एंटर करना तरीके से है, अनाधिकार प्रवेश वो गलत तरीके से है. तो आपका जो आंसर डियर फ्रेंड्स वो ए के साथ चला जाएगा. कोई दिक्कत डियर फ्रेंड्स? चीजें समझ में आ रही हैं? क्या बात है, अद्भुत, बहुत ही बढ़िया. तो आपका आंसर जो है पहले के साथ चला गया. अगला जो है डिमांड सप्लाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स आपके सामने, जस्ट डू इट. इसका आंसर आप बताएं क्या होगा. बेहद आसान प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है, जबरदस्त, चकाचक समझ में आ रहा है ना. बस ऐसे ही तुम लोग पढ़ते रहो, टेंशन नहीं लेना है. टेंशन क्या, पेंशन लेने, आप पढ़िए, है ना. तो इसका जो आंसर है डियर वो किसके साथ चला जाएगा? सी, बिल्कुल सही है, रिक्वायर और प्रस्ताव, सी विल बी राइट आंसर. यहां पर अगर मांग है तो आपूर्ति है, उसी प्रकार से अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो ऑफर करते हैं. कि अगर मान लीजिए कि किसी का तबियत खराब है या मान लीजिए किसी को ब्लड डोनेटेड ब्लड की आवश्यकता है तो आप ऑफर करते हैं कि भाई मेरा ले सकते हैं, हम डोनेट कर लेंगे. तो यहां पर कहीं ना कहीं क्या है डियर फ्रेंड, सी के साथ आपका आंसर चला जाएगा. सी विल बी राइट आंसर फॉर यू, रिक्वायर और ऑफर, आवश्यकता और प्रस्ताव, सी यहां पर सही हो जाएगा, है ना. यहां पर पहला जो है वो अपोजिट है तो वहां पर वो नहीं जाएगा.
गिव टेक, वो भी क्या है, अपोजिट है यहां पर। इसी वजह से आंसर जो है सी सूट कर रहा है, सी कि अगर रिक्वायरमेंट है तभी हम ऑफर करेंगे, सी विल बी राइट आंसर हियर। तो आपका आंसर यहां पर सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार पटना, लगाइए प्रश्न। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स आपके सामने है, सी हो ना, ठीक बा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने डियर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए तो यहां पर अगर हम देखें इसका आंसर जो है डियर फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, तो आंसर डी के साथ जाएगा, है ना। डी इज द राइट आंसर, बच्चे कह रहे हैं कि डी होना चाहिए सर। रीजन इसका मैं बता रहा हूं आपको डी क्यों होगा, है ना। डी यहां पर इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप देख पा रहे हैं बिहार की राजधानी पटना है, उसी प्रकार सिक्किम की राजधानी जो है गैंगटॉक है। तो आपका जो आंसर है डियर फ्रेंड्स वो डी के साथ चला गया, बेहद आसान ये प्रश्न था। सर प्रश्न हटा दीजिए, अगला जो प्रश्न है डियर फ्रेंड्स उसको हम हाथ से करवा रहे हैं, उसको देखिएगा कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइटर का जो संबंध रीडर से है, राइटर का जो संबंध रीडर से है, राइटर कौन हो गए लेखक और रीडर कौन हो गए जो पढ़ने वाला है ना, पढ़ने वाले। उसी प्रकार से पूछा यह जा रहा है कि आपको बताइए, आप बताना है कि यह बताइए प्रोड्यूसर किससे संबंधित होगा। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर उप उत्पादक। तो आपको अगर हम देखें ऑप्शन में अगर दूं तो इसका आंसर आप बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है। सेलर, क्रिएटर, कॉन्ट्रैक्टर। सेलर, कॉन्ट्रैक्टर, उसके बाद दिया हुआ है कंज्यूमर, ठीक है, और इसके अलावा दिया हुआ है कि यहां पर क्रिएटर। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए और इसका आंसर बताइए कि क्या होगा, ठीक है। सेलर मतलब बेचने वाला होता है, कॉन्ट्रैक्टर तो कॉन्ट्रैक्ट जो वहां पर लेते हैं उस पर, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, यहां पर ये क्या हो गया उपभोक्ता, और क्रिएटर मतलब क्रिएट करने वाले। तो आप इसका आंसर बताइए डियर क्या लग रहा है। फिल्म वाला प्रोड्यूसर नहीं है बुआई, फिल्म वाला प्रोड्यूसर नहीं है, है ना, फिल्म वाला प्रोड्यूसर नहीं है। तो डी विल बी राइट, नहीं, कंज्यूमर हो जाएगा, बिल्कुल सही, उत्पादक उपभोक्ता। जैसे मान लीजिए कि आप जो कुछ भी हल्दीराम का भुजिया खा रहे हैं, आप किसी का भी कुछ भी खा रहे हैं, तो वो प्रोड्यूसर हो गए, उत्पादक हो गए, और उपभोक्ता हम लोग हो गए खाने वाले, है ना। तो यहां पर जो आपका संबंध है, लेखक लिखता है तो रीडर पढ़ते हैं, और उसी प्रकार प्रोड्यूसर उत्पादक उत्पाद करते हैं तो हम लोग उपभोग करते हैं। तो आपका जो आंसर है यहां पर किसके साथ चला जाएगा, सी के साथ चला जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला जो प्रश्न है डियर देखिए उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थिक का जो संबंध थिन से, थिक रिलेटेड है थिन से, थिक मतलब मोटा, रिलेटेड है पतला से। तो आपको बताना है कि आइडल का संबंध किससे होगा, आइडल का संबंध जो है वो किससे होगा। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, ऑप्शन हमारे पास है कि बिजनेस, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, इसके बाद दिया हुआ है यहां पर गुड, उसके बाद दिया हुआ यहां पे एक्टिव, एक्टिविटी मान लो। तो आपको बताना है इसका संबंध जो है डियर फ्रेंड्स वो किसके साथ होगा। आइडल का मतलब होता है निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब बेकार, है ना। तो आप इसका आंसर बताइएगा कि क्या होगा।
है ना, बेकार मतलब आप लेजी भी कह सकते हैं इसको, आलसी कह सकते हैं इसको, कुछ भी कह सकते हैं। बिजनेस का यहां पर जो है वो क्या हो जाएगा, बिजनेस जो है यहां पर मान लीजिए कि क्या हो गया यहां पे, बिजनेस 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 व्यापार व्यापार। इंडस्ट्रियस मतलब क्या हो गया, मेहनती है ना, गुड मतलब अच्छा, और एक्टिविटी तो एक्टिविटी ही है। तो आप इसका आंसर बताइए डियर फ्रेंड्स, वो क्या लग रहा है, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस। तो यहां पर इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स कह रहे हैं सी होना चाहिए, सी नहीं, यहां पर इंडस्ट्रियस होगा, मेहनती। आइडल का मतलब होता है निष्क्रिय, निष्क्रिय का मतलब लेजी आलसी ऐसे लोग, ठीक है। तो इसी वजह से इसका जो आप आंसर देख रहे हैं, क्योंकि थिक मोटा और पतला थिन हो गया, उसी प्रकार लेजी जो आलसी निष्क्रिय है उसका उल्टा इंडस्ट्रियस मेहनती हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है डियर फ्रेंड्स वो किसके साथ चला जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। एक्टिव नहीं लिखा मैंने, एक्टिविटी लिखा है। एक्टिविटी मतलब आदत आप बोल सकते हैं, हैबिट की तरह होता है एक्टिविटी, या उसका तरीका आप बोल सकते हैं ना उसका, इस प्रकार से। एग्जैक्ट हिंदी एक्चुअली नहीं मिल पाता है चीजों में, बात समझ रहे हो, गतिविधि बोल सकते हैं इसको, एक्टिविटी को हम क्या बोल सकते हैं, गतिविधि। सबसे शुद्ध हिंदी इसका क्या होगा, गतिविधि। तो इसका जो आंसर है डियर फ्रेंड्स वो किसके साथ चला गया, इंडस्ट्रियस के साथ चला गया। कोई दिक्कत नहीं, चीजें समझ में आ रही है। एक्टिव इज नॉट देयर, एक्टिव का ऑप्शन ही नहीं है, एक्टिविटी है वहां पे, है ना, एक्टिविटी दिया हुआ है। चीजें समझ में आ गई। यहां आइडल का मतलब लेजी निष्क्रिय आलसी, यहां पर बोलते हैं ना ही इज अ आइडल बॉय, मतलब वो अच्छा लड़का, अच्छा में नहीं मानेंगे, लेजी में मान सकते हैं उसको, निष्क्रिय में, या वो कम मेहनती भी मान सकते हैं, जो जैसे उसको खाना भी मुंह में खिला दें, चबा भी दें और पेट में चला जाए, पच भी जाए, ऐसा बच्चा, समझ रहे हो बात को। इसी वजह से आपका जो आंसर है डियर फ्रेंड्स वो किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ, इंडस्ट्रियस के साथ। अभी क्लियर हुआ, चलिए। इंडस्ट्रियस इज देयर, मेहनती, बहुत समझाना पड़ता आप लोगों को। चलिए एक क्वेश्चन मैं इसी में एक नंबर बेस जोड़ देता हूं, देखता हूं इसका आंसर क्या होगा। अगर 3, 5, 7 का संबंध 2, 2, 5 से, तो बताइए कि 2, 4 और 6 का संबंध किससे होगा। चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए डियर फ्रेंड्स क्या होगा। चलिए बेहद आसान प्रश्न था, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, 7, 5, 12, 3, 15, 15 का स्क्वायर, 15 × 15, 15 × 5 = 75, 15 × 1 = 15, 5, 7, 5, 12, 1, 1, 2, 225, 7 × 7, 6, 4, 2, 10, 2, 12, 12 का स्क्वायर 144, तो आपका जो आंसर है डियर फ्रेंड्स वो 144 के साथ चला गया। क्लियर है, चलिए बेहद आसान ये प्रश्न था, बहुत ही बढ़िया। कल जो हम लोग करेंगे, आपको बता दें कल जो एनालॉजी होगा वो कोशिश करेंगे कि नंबर बेस और अल्फाबेट बेस मिक्स कर दें, ताकि आपको, या वर्ड बेस भी मिक्स कर दें ताकि आपको ज्यादा मजा आए। और आप बताइएगा क्लास कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से जल्दी अभी तुरंत लाइक करें, फटाफट मजा आ जाएगा, लाइक करें, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें वीडियो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करें, शेयर करना ना भूलें, ठीक है डिया। सी यू टुमारो एट शार्प 9 PM, अच्छे से रहिएगा, खूब पढ़िएगा, तरक्की कीजिएगा, माँ बाप का नाम रोशन करिएगा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, थैंक यू फॉर वॉचिंग।